Good hunting! पहले हंस लो यार, मुस्कुरा लो, आप आईएमसी में हैं, मुस्कुराओ पहले, मुस्कुराओ पहले, आप आईएमसी में हैं। यस, मैं आज अपनी पूरी आईएमसी की जितनी भी टीम यहां पर अब बैठी हुई है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है किसी को सुनना और झेलना, जो झेल गया बेटा वो यहां पे आएगा कंधों पे लोगों के ऊपर, उसी के ऊपर फूल बरसेंगे, वही विजेता बनेगा, वही अपने घर के सपने पूरे करेगा, और जो पूड़ियां खाने के चक्कर में यहां पे आए हैं उनके हिस्से में पूड़ियां ही मिलेगी, और जो पूड़ियां खाने गए मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बंधु और अपनी जिंदगी से प्यार करने वाले आईएमसी के ये वो शानदार एसोसिएट, ये वो मैनेजमेंट के लोग, ये सारी मेरी चेयरमैन ग्रुप, आप ही वो लोग हैं जो इस कंपनी को विश्व की नंबर वन कंपनी बनाएंगे। हमको रोकेगा कौन? कोई घर वालों, हमको रोकेगा कौन? और वो जो लास्ट में चार बैठे हैं, हमको रोकेगा कौन? और कितने हैं इतना कम? यस, मैं शुक्रगुजार हूं अपने इस खूबसूरत सिस्टम के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मेरी प्रेरणा के स्रोत, ऊर्जा के धनी, और जिनको देखकर लड़की से प्यार तो हमने होते हुए देखा है, पहले एमडीए जिनको सारे एसोसिएट को प्यार हो जाते हैं, तो बहुत बार तो मैंने सर्दी पप्पी लिए, ऐसे चक्कर में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊं, लेकिन आजकल आना मत। दोस्तों, मैं अजय मान 2007 13 दिसंबर को मैंने एक जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन लिया। मुस्कान को मैं 4 साल से जानता था, जब तक पास रही नहीं मिली, जब तक जानता था तब तक कोई बात नहीं हुई, और जब उस शहर को छोड़ के हम चले गए तो एक दिन इनका फोन आता है, और परमात्मा ने आईएमसी से मेरा टाका भिड़ाना था और मैंने वो फोन सुन लिया, इनको आई लव यू कहा, और मेरी जिंदगी में जब से ये आई है तब से अच्छा 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 होने लगा, वरना बुरा 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 बुरा। लेकिन ये जो अच्छा हुआ, इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी। मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया क्योंकि एमडी मुझे पसंद नहीं, नौकर मैं बनना नहीं चाहता, बिजनेस के लिए पैसे नहीं, एजुकेशन में मैं, प्रेम जी ने एक बात रख ली, मैं चक्कू के बल पे मैट्रिक पास। कंपनी भी भाई इतनी बड़ी नहीं थी। जीत के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, वो होता जिद्दी क्या और अक्कड़मक्का। क्या होना चाहिए? जिद्दीपन, और क्या होना चाहिए? अक्कड़मक्का। सामने हीरोइन खड़ी है, आप तो पूरे जबरदस्त थे अपने एरिए के, आप खतरनाक लीडर थे, आप तो हीरो कभी बने ही नहीं, आपकी तो पर्सनैलिटी पूरे दबंग वाली थी, लेकिन गलती से एक डायरेक्टर ने आपको फिल्म का हीरो बना दिया। सामने हीरोइन खड़ी है, आपको रोल दिया गया कि इनको आई लव यू बोल के बताने का है, अब आप तो ठहरे ये वाले, हम तो ठहरे ये वाले, अब हम तो वही था, डायरेक्टर तैयार, हीरोइन तैयार, जिंदगी में मौका तैयार। हेलो, मौके कमाने वाले लोगों से सावधान नहीं है, और जिसका साथी इस सेमिनार को छोड़ के रूम में चला गया उसको पीट रही है, उसको बताइए कि तुम्हारे बाद तो असली पिक्चर आई थी, अरे तुम तो मायूस, तुम तो रह गए बेवकूफ, और तुम तो बन गए गधा यहां के, तुम तो आपको गधा नहीं बनना है, जो बन रहे हैं उनको रोकना है। इतनी सुंदर हीरोइन खड़ी है सामने, क्योंकि हम तो 2007 में बिगड़े थे। हीरोइन डायरेक्टर साहब बोलो, बोलो एक्शन, और हम चले।
हाँ भाई, और फिर कैसे हो? अरे प्यार यार भी कर लिया करो। साला साला काम मिला हीरो का, क्या मिला? मौका मिला अच्छे काम करने का, मौका मिला आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने का, मौका मिला अपने सपनों को साकार करने का, मौका मिला लोगों को ऊपर चढ़ के चलने का। इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमको ऐठ नहीं चल रही है। ये ऐसे चलेगा काम? ऐसे पटेगी हीरोइन? अरे इसका एक और तरीका है। ठीक है, हम पहले कुछ भी थे, आईएमसी से पहले कुछ भी थे, लेकिन आईएमसी के में आने के बाद हमने अपने आप को बदल लिया। और जो डायरेक्टर सत्यन भाटिया जी कह रहे हैं, जो रोल इन्होंने हमको हीरोइन दी है, उसी हीरोइन से प्यार करना है, अच्छे से करना है, लिज्जत के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है, सच्चाई के साथ करना है, तब ना इतनी खूबसूरत मिलेगी। दूसरा तरीका क्या है? मैं गया, मैं बड़ा टेढ़ा था, मैं बड़ा मेढ़ा था, लेकिन मैंने चेंज किया अपने आप को और मैंने इनको पटाना था। यस या नो? अब इनको पटाने के चक्कर में मैं आ रहा हूं। क्या हाल है? अरे जाने मन आप जैसा कोई नहीं। क्या मैं आके बस बैठना चाहता, दे दो मुझे। दे दो भाई, हमने अपनी वाइफ की बहुत टांग खिंचाई की है, किया कि नहीं किए? लेकिन मेरे दोस्त, ये मेरी टांग खिंचाई करती थी, मैं आपकी कर देता था। इतनी बात, 2007 13 दिसंबर 2007 को मेरी मैरिज इनसे हुई, मैं भी खुश हुआ, ये भी खुश हुई, इसके अलावा हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था। खुशी, हम बड़े खुश थे, बढ़िया वाइफ मिल गई। उसको लेके निकल लिए, पता लगा वाइफ को खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए, घर में आटा चाहिए, नमक चाहिए, घर में स्टोव चाहिए, सिलेंडर चाहिए, हम तो बिल्कुल ही वेले थे। और इन्हीं दिनों में हम अपनी ससुराल में पहली बार रिक्शे पे जा रहे हैं। किस पे? और एक पड़ोसी बोला, आ गया 25 किले वाला रिक्शे पे। बड़ा बुरा लगा भाई। हमारी मैडम थोड़ा सा तगड़ी बोली, अभी बताओ इसको 25 किले। भाग्यवान जब इंसान का वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे भी कुत्ता काट लेता है। चुप रहे, दिल्ली खराब है मेरा, अब किस दिन इस मान का समय बदलेगा, ये इंसान तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकेगा। दोस्तों शुरू हुआ सफर 2008 में, 6 महीने मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दिन देखे। हम दोनों को याद है, हम लोगों को एक दिन एक मिनी बस जिसमें 30 सवारी बैठती है, उसमें 70 सवारी चढ़कर बैठ गई। हमारी वाइफ और हमारे 4 लड़के इनकी तरफ, एक साइड में मैं और 3 तरफ लड़के। आप जानते हैं 30 सवारियों की बस में अगर 65 लोग बैठ जाए, खड़े हो जाए, तो उसमें 1 इंच भी जगह नहीं बचती। बहुत बुरा लगा हमको, हमने कहा मर जाएंगे साला ऐसी जिंदगी भरी जिंदगी से, और जिसको प्यार किया उसको सुरक्षा नहीं दे सकते, ऐसी जिंदगी का क्या होएगा। कुछ दिन हमने अपनी वाइफ को सौगंध दिलाया, यार अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं कह नहीं सकता, अगर मिला तो इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर तुझे दिखाऊंगा, तू मेरा साथ देना छोड़ना मत। और वो मौका दिया मुझे आईएमसी। किसने? आईएमसी कंपनी से मेरे पास आई, कुछ भी नहीं था, बोला के 7,000 रुपये का एक टूर है, 7,000 रुपये लगाओगे तो टूर पे चले जाओगे। हमारी अपनी वाइफ से बहुत सारे वादे थे घुमाने के, इस चक्कर में हमने को बताया कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई तंगी नहीं है, लेकिन क्या करें जब सब कुछ उलट हो गया। 7,000 रुपये मुझे जमा कराने थे, 2 दिन का टाइम था, मुझे 4 लोग भी नहीं जानते थे, एक मेरी अपलाइन ग्रेट अपलाइन के लिए जोरदार ताले हो जाए, मिस्टर सतीश सिंह और जसवीर सिंह के लिए। मैंने कहा मैं जुगाड़ कर सकता हूं, और जुगाड़ कर मैं कसौली के एक टूर पर गया, डलहौजी के एक टूर के ऊपर। वहां पर लगभग 100 लोग थे, कोई कहता 50,000, कोई कहता 1,00,000, कोई कहता 25,000। हमको गेम समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो हनीमून मनाने के लिए गए थे। उन दिनों में हमारे सत्यन भाटिया जी
मैं सैल्यूट करता हूं इनको उस दिन के लिए। इन्होंने मुझे बोला मान साहब आप मीटिंग में आ गए हो तो ऐसा करो आप सेमिनार भी अटेंड कर लो, शाम को खजियार ढूंढने जाएंगे। जब ये वापस गए हम दोनों ने वार्तालाप की कि जिंदगी में सबसे पहले किसी खूबसूरत इंसान ने हमसे रिक्वेस्ट की है, इसके लिए तो हम अपनी जान भी निछावर कर देंगे। मीटिंग की क्या बात है, मीटिंग में गए सब कुछ सुना, हमको कुछ समझ में नहीं आया। एक ही बात समझ आई कि बॉस नहीं है पैसा बहुत आता है, बॉस नहीं है और पैसा बहुत आता है। हमको बॉस पसंद नहीं था, आते ही काम शुरू किया, बहुत दिक्कत बहुत परेशानी बहुत कठिनाई। हमको एक ऐसा रूम मिला अपनी जिंदगी में, जब हम शादी करके घर पहुंचे उसमें पर्दा नहीं था, एक ही रूम में रसोई थी, एक हमें मंजी मिली और बगैर पर्दे के एक घर में मैंने 3 महीने गुजारे। समझते हैं आप दर्द को, समझते हैं। और उस दर्द भरी जिंदगी से निकलने का मौका जब मुझे आईएमसी ने दिया तो मैंने बाहें फैला के अपनी वाइफ के साथ अपने सत्यन भाटिया जी को अपने घर बुलाया, मीटिंग की और इन्होंने कहा कि इस मीटिंग में कोई तो आदमी होगा जो लाखों रुपए महीने कमाएगा। हमने कहा कोई नहीं होगा, वो डेफिनेट मैं आऊंगा क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है इस पैसे की, मेरा अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और जो लोग चेयरमैन नहीं बने पीछे, मैं एक छोटा सा नारा भी दूंगा आज आपको, चेयरमैन बना के ही भेजूंगा, चिंता ना करो। 8 महीने में इस कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पहला चेयरमैन बनने का गौरव हासिल हुआ। 1,27,000 रुपए मुझे आए और पहली गाड़ी मुझे स्टीम दी सर ने। उससे पहले मेरे ब्रदर इन लॉ यहां पे आए हुए हैं, फौजी हैं, फौजियों की बाइक कितनी चलती होगी। अब इनकी बाइक को मैं चलाता था, भाभी हमारी पढ़ी लिखी थी, जब मैं बाइक को चलाता इन्होंने 6 साल में 4,000 किलोमीटर चलाई, कितनी, और मैंने 1 महीने में 6,000 चला दी। झगड़ा स्वाभाविक था, सीधा बॉर्डर पे फोन, ये आपके जीजा जी तो पगला गए हैं, आप तो 6 साल में बाइक नहीं चला पाए, इन्होंने तो 1 ही महीने में चला दी। हमको लगा यार कोई बाइक का इंतजाम हो जाए तो ये भी मौका हल हो जाए। बाइक नहीं मिली दोस्तों, नहीं मिली, क्योंकि मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता और छीनने वालों के पैरों में जहान होता है। हम मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता। हम लोग चलते रहे, सफर करता रहा, मुझे बहुत सारे लीडर मिले जिनमें विशेष तौर पर धर्मेंद्र चौधरी, लव यू धर्मेंद्र जी, जबरदस्त काम इन्होंने किया। हमारे तिलों की धड़कन वेद प्रकाश ओझा जी, जबरदस्त क्रिकेट लीडर हमारे पीएम जी, श्रीकांत मिश्रा जी, अजय शर्मा जी, ये सभी लोग जो आगे बैठे हैं कैमर पसीन, इन सबके सहयोग से आप सबके आशीर्वाद से मैं तीनों दिन तरक्कियां करता गया। परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, दिक्कतें आई, लेकिन मैंने सभी को चलान मारते पार कर दिया और सफलता को इनके कदमों में लाकर इनका गुलाम बना दिया। आज सफलता इनकी गुलाम है, यह सफलता की गुलाम होगी। एक बाइक से रिश्ता पे पहुंचा, कितनी में, कितनी पानी, एक बाइक पर कहां पहुंचा, रिश्ता, उसी शहर में मैं रिश्ता लेके आया। बात नहीं बली, हमारी मैडम खुश नहीं हुई, बोला ये कौन सी खुशी की बात है, दुनिया के पास है, फिर क्या करूं, फिर वरना लिया, बोली कोई खुशी की बात नहीं है, इतना घर से बाहर रहते हो, ले आए तो बाहर तोड़ दिया, फिर हम इनोवा ले आए। मैं कब तो खुश हो जा कि अब भी नहीं होंगी। और पिछले दिनों दोस्तों जब मैंने 1 करोड़ की गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया तो बैंक का, नॉर्थ इंडिया का हेड मुझे मिलने आया, ये ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो किराए के घर पे रहता है और 1 करोड़ की गाड़ी की फाइनल कर रहा है। हमने सीधा पूछा आप तो घर जरूरी के कार जरूरी, मैं कहा बेटा पहले कार जरूरी, क्योंकि हमने वो दर्द सहा है बगैर दरवाजे के मकान का, अब वो ऐसा घर बनाएंगे जो अपने शहर का सबसे नामी घर होगा, तभी उसके अंदर घुसेंगे, नहीं अभी तक किराए पे ही रहेंगे। जिद होना जरूरी है मेरे दोस्त, अगर आप जिद्दी नहीं बनेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, आप अगर जिद्दी नहीं बनेंगे तो आप कामयाब कैसी जिद, समोसे खाने की जिद, गर्लफ्रेंड को घुमाने की जिद, उसका फोन ना लगे तो साला टेंशन हो जाती है कि फोन नहीं लगा आसिकमा का है, जिद होनी चाहिए। एक आदमी हंसता खेलता परिवार एक पहाड़ी के पीछे रहता था, उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे,
गांव से दूर रहता था, नेचर में रहता था, हंसी खुशी के दिन कट रहे थे। वो अपनी वाइफ के साथ दुनिया के सभी है तो आराम ले रहा था। उन्हीं दिनों उसकी वाइफ पानी लेने के लिए पहाड़ी के उस तरफ जाती थी, क्योंकि जो भी कुछ था पहाड़ी का इधर था और वो पहाड़ी का इधर रहता था। एक दिन जब वो पानी लेकर शाम को अपने घर लौट रही थी तो पहाड़ी से चलते चलते उसका पैर फिसला तो उसके सर पे चोट लगी तो वो घायल हो गई। जैसे ही उस इंसान को उसके बारे में पता लगा, वो उससे मिला और देखा कि इसके तो सर पे चोट लगी हुई है, इमीडिएट अगर इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो ये इसकी डेथ हो सकती है। वो आदमी ने, क्योंकि उसके घर से दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता था वही पहाड़, उस पहाड़ पर वो चढ़ा अपनी वाइफ को लेकर। चढ़ता गिरता मरता उसको 4 घंटे लग गए उस पार पहुंचने में, तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। दोस्तों वो आदमी घर आया, उसने देखा भाई क्या रीजन था जो हंसती खेलती मेरी जिंदगी तबाह हो गई। वो ऐसी कौन सी बात आती, क्यों नहीं मैं अपनी वाइफ को बचा पाया जिसे इतना प्यार करता था, क्यों नहीं मैं अपनी बच्चों की मां को बचा पाया जिससे मैं इतना प्यार करता था। उसने देखा अगर ये पहाड़ी ना होती, हेलो, यदि ये पहाड़ी ना होती तो मेरी वाइफ बच जाती, मैं इस पहाड़ी को खत्म कर दूंगा। उसने चिट करी उस पहाड़ी को खत्म करने की, हथौड़ी लेकर छुरा लेकर चल गया उस आदम के पहाड़ी के ऊपर और खोदने लगा वो इंसान। खोदा हर रोज खोदता गया, 1 साल खोदा, 2 साल खोदा, 3 साल खोदा। उसका मकसद, उसकी जिद थी कि मैं इसको चीरूंगा, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ भी होगा। उसकी जिद थी, खोदा, 10 साल लगे नहीं हारा वो इंसान, 15 साल लगे नहीं हारा, 23 साल में जाकर उस इंसान ने उस पहाड़ी को काट कर एक आम रास्ता बना दिया और वो महान शक्ति पद्म श्री विजेता। दशरथ मान ही तालियां हो जाए उनके लिए। इधर करोड़ प्रेसिडेंट बनना था, इधर सत्य फंक्शन थे, जो देता था वही ऑफिस में नहीं था तो कहां से मिलती भाई। लेकिन जिद थी लाके आएंगे, क्या थी? कोई आसान नहीं। सभी बैंकों ने मना कर दिया कि किराए पे रहने वाले आदमी जगवार कैसे ले सकता है, हमें समझ में नहीं आता, सबने मना कर दिया। लेकिन हमारी जिद थी, क्या थी? और हम सामी 1 करोड़ की गाड़ी लिया है जगवार, ये नहीं। कौन जीता? मैं जीता कि मेरी जीती? कौन जीता? जीती बनोगे कि कमिंडी बनोगे? कमिंडी के जीती तो जीती बनोगे तो सक्सेस की सीढ़िया। और फिर हमारी वाइफ ने वो बात बोली जिसको सुनने के लिए मुझे 9 साल लगे। कितने साल? कि एक तो जब मैं आपसे शादी तब खुश हुई थी और एक जब आप जगवार गए आप खुश हुई। ऐसे ही है। तो दोस्तों सभी सपने मैंने पूरे किए और तंजे की चोट पे किए और कोई माइकल मुझे रोक नहीं सकता, ये मेरा झूठ है, नहीं रोक सकता, नहीं कोई आपको रोक पाएगा। ये सुन लो, चेयरमैन बनना चाहते हो पूछो वालो, प्लान समझ में आता है कैसे? 1 पे 150 बनने पे क्या बनता है? 2 पे क्या बनता है? 4 पे क्या बनता है? 8 पे क्या बनता है? ऐसे चेयरमैन बन जाओगे? हमारी वाइफ को मतलब कैसे बने? हमको हमारे सत्यम जी ने एक नारा दिया कि बेटा तू अनपढ़ है चक्कू के बल पे, यहां पे चक्कू चलने वाला नहीं है तेरा, यहां पे तुझे कुछ सर्टिंग करनी पड़ेगी। मैं कहता देखो पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, कुछ छोटे छोटे वर्ड बता दो जो मैं याद रख लू। बोला चल बेटा तेरे लिए छोटे ही बता देता हूं, सुनना चाहोगे? तो मैं बताता हूं, 1 पे सिल्वर बोलो, 2 पे गोल्ड, 4 पे रूपी, ये वाली रूपी नहीं वो वाली रूपी, मगर आप कुछ लेते रूपी का विचारा कर रहे हैं, ये रूपी, ये हमारी ट्रेनर है भाई, बहुत पढ़ेंगे आपको।
एक पचीले में टोपे को चार पे रूपी छेपे आप पे नहीं बनोगे, कैसे बनोगे? ये आवाज तो सत्यम भाकर की कानों तक नहीं पहुंच रही, उन आठ सुपरस्टार तक कैसे पहुंचेगी जिनके ऊपर आप चेयरमैन बन जाएंगे? तो मेरे स्टाइल में जाओगे, एक पे सिल्वर, दो पे गोल्ड, चार पे रूबी, छह पे डायमंड और आठ पे चांदी। एक पे सिल्वर, दो पे गोल्ड, चार पे रूबी, छह पे डायमंड, आठ पे चांदी। जब हम ऐसे बोलते थे तो हमारी माई बोली पगला गए हो क्या? यहां पे कौन सुन रहा तेरी बात? लगे दीवारें तो सुन रही है, तू तो सुनेगी नहीं, तो इन्हीं को सुना लू। बनोगे छुट्टी क्या? नहीं बनोगे? नहीं बनोगे तो मेरा क्या ले लोगे? लव यू। अब हंस रहे हो, बहुत मजा आया दोस्तों आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मेरे सभी सपने मैंने पूरे किए और एक बड़ी टीम आज भारत में मेरी बनी, जब तक मेरा खून एक कतरा भी मेरा खून का भागी रहेगा, मैं आईएमसी के लिए काम करता रहूंगा, पैसे के लिए नहीं करूंगा, आईएमसी के लिए करूंगा। और भाई धन्यवाद का दोस्त फौजी को भी, जिसकी बाइक पर चढ़ के मैं जयगवा तक पहुंचा हूं। खड़े हो जाओ फौजी साहब, आए हुए चैलेंज के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छे लगे रहते हैं। इनकी बाइक पे चला मैं, और इस बाइक के बदले मैं पाजी आपको बुल्ट देने वाला हूं, बुल्ट आपको बुल्ट दिया जाऊंगा। तो भाई जिद्दी बनो, जुनूनी बनो, सफलता चक मार के आपकी कदमों के नीचे आएगी, और ये कंपनी से बचा हो तो दो चार कंपनी वाले ना, इनसे भी बचो। उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, सुंदर भाई, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, हमने उनकी बोली सजा रखी थी। उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, हमने उनकी बोली सजा रखी थी, और हमें पता है वो भागेगी किसी और के साथ, इसीलिए पहले हमने उनकी बहन पता रखी थी। तुमने तो नहीं होता इतना, चलो बचो जितना बचा जा सके, है ना? चिराग बनकर जब वक्त के अंधेरों में दीप के उजालों से रोशनी नहीं होती, और खेल खेलते रहो यारो, जिंदगी का हर हार आखिरी हार नहीं होती। और हमारी मैडम भी बोलेंगे कुछ आज, सुनते हैं भैया तभी बोल रहे हैं। भाई आइए भैया, ऐसे नहीं चलेगा काम, आइए आइए बोलिए, आप जरा सुनना चाहते हैं। मेरे को वैसे कुछ आता नहीं है, मान साहब ने भाई माइक तो फड़ा दिया मेरे हाथ में, पर 7-8 साल पहले एक सेमिनार हुआ था लुधियाना में, तो मैंने एक मिस सॉन्ग बोला था, तो मेरे हस्बैंड को वो सॉन्ग माइंड में बैठ गया था। वास्तव में मेरी वाइफ के बहुत सपने हैं, और मैंने कभी भी कुछ उनसे मांगा नहीं, और मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम सोचते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा दोबारा नहीं मिलती, और मैंने ऐसी सोच के आगे बढ़ते गए हम। और मैंने वो सॉन्ग बोला था, छोटे छोटे सपने हूँ, सपने वो अपने हूँ, हूँ यार क्या बात हूँ, यही जीना यही जीने की मूर्त है, जिंदगी खूबसूरत है, मेरा छोटा सा सैलून भी है। मगर जब सत्यन सर आए थे तो बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया है। मैं वहां पे फ्री कोचिंग देती हूँ, और वो कहते हैं मैडम आप फ्री कोचिंग क्यों देते हो? मैं कहती हूँ ये आईएमसी की बदौलत है, इसलिए बदौलत है क्योंकि शायद सैलून में पता नहीं कितने पैसे लेते हैं कोई तैयार करने में, मैं गरीब लड़कियों को फ्री तैयार करती हूँ, और रायलॉन माइको सबका मेकअप करती हूँ, उसपे ये नहीं सोचती भी इन पे थोड़ा घटिया कर दूं या कुछ भी कर दूं। वो कहते हैं आप इतना अच्छा मेकअप करते हो, और
आप ये कम रेस क्यों लेते हो? मैं कहीं ये भी आलमसी की बदौलत है। और जब सतन सर पहली बार सिरसा में आए थे तो सतन सर को मैंने देखा तो मेरे वो सैलून में आए तो मैंने कहा उनसे, किसी ने मिलवाया था, मैंने कहा मैंने सर से गले लगना है। तो मैंने उस दिन सर से गले लगी और मैंने उसी दिन से सोच लिया था जिस घर का नमक खाओ उसको कभी हराम मत करो, कभी हराम मत करो। मैं कहती हूँ कि हे भगवान, जिनकी बदौलत हमें इतना अच्छा बिजनेस मिला है, मैं कहती हूँ भगवान जिनकी बदौलत हमें इतना अच्छा बिजनेस मिला है, मैं कहती हूँ मेरी भी उम्र उनको लग जाए।